हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनीस्कुजिन। आज हम लोग बनाने वाले हैं पटाटो नगेट्स। ये सबका बहुत फेवरेट रेसिपी है, बहुत अच्छा पार्टी स्टार्टर है। तो उसके लिए हमें चाहिए बॉइल्ड आलू, उसको मैंने पील करके ग्रेट कर दिया है, और ये मैंने होममेड चीज है उसको मैंने ग्रेट कर दिया है। इसके साथ कॉर्नफ्लोर, ब्लैक पेपर पाउडर, मिक्स्ड हर्ब, इसमें पार्सली, थाइम्स और ओरिगानो है, और ये मेरा होममेड रेड चिल्ली फ्लेक्स है, होममेड ब्रेड क्रम्स है, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स को मैंने थोड़ा चूरा टाइप का बना दिया है ऐसे दरदरा, और इसके साथ सॉल्ट और ऑयल डीप फ्राई के लिए, और थोड़ा सा पानी। देखिए आलू में मैंने ये सब मिला दिया है, नमक, ब्रेड क्रम, कॉर्नफ्लोर, रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब और चीज, और ये सबको हम लोग अच्छे से मिला देते हैं। ये चीज का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फ्रेंड्स। ये बहुत ईजी है बनाना घर में, और हेल्दी वे में भी है, विदाउट रेनेट है, और काफी दिन तक आपका रह जाता है, तो बहुत अच्छा है। मैं तो बाजार से चीज लेना ही भूल गई हूँ, बस घर में बना के आराम से चीज यूज करते हैं। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप ओरिगानो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अपना हमारा इंडियन कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। हम लोग थोड़ा सा 10-15 मिनट फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा डो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। कॉर्नफ्लोर में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर मिला दिया है, थोड़ा सा पानी मिला के एक स्लरी बना देंगे हम इसका। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है, आप आटा और मैदे से भी ये बना सकते हैं। हाथ में मैं थोड़ा सा तेल लगा दूंगी ताकि ये डो थोड़ा सा स्टिकी रहता है, तो हमें आसानी होगा। और ऐसे छोटे छोटे पोर्शन हम लोग लेके रख देंगे, और सिलिंड्रिकल शेप या फिर सर्कल शेप, कोई भी शेप में आप बना सकते हैं इसको। देखिए मैंने ऐसे लिया है और उसको ऐसे सर्कल शेप में बना के फिर ऐसे मैं बना रही हूँ। ये अच्छा लगता है बच्चों को खाने के लिए। और इस तरह से देखिए मैंने ऐसे बना दिया है। अब मैं एक एक नगेट को इसमें ऐसे डुबाऊंगी स्लरी में, और ऐसे करके चम्मच से कर दूंगी ताकि एक्स्ट्रा स्लरी हमारा निकल जाएगा। और ऐसे डालिए इसमें, और सूखा सूखा ही आप इसको कीजिए। अगर ये गीला हो गया तो फिर हमारा वो जो कॉर्नफ्लेक्स का चूरा भी बहुत सॉगी हो जाएगा। देखिए इस तरह से, मैं तो ब्रेड क्रम से ही यूज करना चाहती थी, लेकिन फ्रेंड्स ब्रेड क्रम मेरा थोड़ा खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये हेल्दी वर्जन ट्राई किया जाए, इससे भी ये बहुत क्रिस्पी बनता है। मैंने ऐसे बना दिया है, और ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स को जो चूरा बनाया है थोड़ा सा दरदरा रखा है ताकि इससे ये क्रंचीपन आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अब इसको हम लोग फ्रिज में मिनिमम 30 मिनट्स रख देंगे ताकि हमारा जो ये कॉर्नफ्लेक्स का चूरा है अच्छे से वो चिपक जाए, और मॉइस्चर जो भी है वो अब्जॉर्ब हो जाए। तेल गर्म हो गया है, और इसमें एक एक करके हम लोग नगेट्स को डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में हमें इसको फ्राई करना है गोल्डन कलर होने तक। बीच बीच में हम लोग इसको थोड़ा सा पलट देंगे ताकि ये इवनली फ्राई हो जाए। ये अभी हमारा बन गया है, देखिए कितना क्रिस्पी बना है, देखा आपने, अंदर से पूरा वो फ्लफी है इस तरह से। अभी आप भी बनाइए और मुझे बताइए कि आपका पटाटो नगेट कैसे बना।